फॉर बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज नए वीडियो के साथ आई हूँ। टॉपिक का नाम है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोरेटा। कोरेटा क्या जनरल कैरेक्टर स्टडी करने वाले हैं अपन, जिसमें फर्स्ट जनरल कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, आदत और आवास की बात करते हैं। तो कोरेट जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, एरियल होते हैं और टेरिस्ट्रियल होते हैं, मतलब जल के अंदर पाए जाते हैं, वायु के अंदर पाए जाते हैं और स्थल के अंदर भी पाए जाते हैं। बात करें एक्वेटिक की, जलीय कोरेट्स की बात करें तो जल के अंदर कौन से कोरेट्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक सुपर क्लास पाइसिस थी, तो पाइसिस जो सुपर क्लास थी इसके अंदर दुनिया की सारी मछलियों को रखा गया है जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन फिशेज को किसमें रखा गया है, ये क्या होती है पानी के अंदर पाई जाती है, तो ये क्या हो गई एक्वेटिक हो गई। बात करें अपन इनकी एक्रिनेटा या प्रोटोकोरेटा की बात करें तो इसके एनिमल्स भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कोरेट्स क्या हो गए, एक्वेटिक हो गए, ठीक है। बात करें एरियल की, मैंने कल अपने पिछले वीडियो में बताया कि जो टेट्रापोडा होता है, जो सुपर क्लास टेट्रापोडा होती है, उसकी जो क्लास होती है एविज, तो एविज के अंदर दुनिया के पूरे बर्ड्स को रखा गया, ठीक है ना। तो ये बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, जो फ्लाइट करते हैं तो एयर के अंदर करते हैं, तो ये क्या हो गए एरियल हो गए। बात करें टेरिस्ट्रियल की, तो टेरिस्ट्रियल जैसे बात करें अपन जैसे एम्फीबिया है, ठीक है ना, एम्फीबिया स्थल के ऊपर पाए जाते हैं, रेप्टीलिया है, मैमल्स है, तो कुछ मैमल्स वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश मैमल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये तो इनका क्या हो गया, ये तो इनकी हैबिट एंड हैबिटेट हो गया, आदत और आवास की बात हुई। बात लेते हैं सेकेंड कैरेक्टर लेते हैं हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें, शारीरिक संरचना की बात करें, तो ये एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, शारीरिक जो संगठन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। बात करें बाइलेटरल सिमेट्री की, इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब इन एनिमल्स को यदि किसी एकल से काटा जाए तो इनकी बॉडी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, तो इसके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनकी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन है वो थ्री ड्रम्स के द्वारा किया जाता है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो ड्यूटेरोस्ट्रॉम्स होते हैं, ये क्या होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनमें क्या होता है ब्लास्टोपोर के द्वारा क्या होता है, ब्लास्टोपोर के द्वारा पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर दैट माउथ का फॉर्मेशन होता है। बात करें यू सिलोम की, इसके अंदर ट्रू टाइप की सिलोम पाई जाती है, वो भी कौन सी एंटेरोसिलोम, मतलब एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में एक गैप पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिलोम, ठीक है। तो ये सिलोम क्या होती है, वास्तविक प्रकार की सिलोम इनके अंदर पाई जाती है। बात करें इनके अंदर मेटावेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, खंडी भवन होता है इसमें मेटावेरिक प्रकार का होता है। अब बात करें स्केलेटन की, इनमें जो कंकाल होता है बाह्य जो कंकाल होता है वो नॉर्मली होता है, और एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन की बात करें आंतरिक कंकाल की बात करें तो मेड बाई कार्टिलेज एंड बोन, इनका जो आंतरिक कंकाल होता है वो कार्टिलेज और बोन का बना होता है, अस्थियों और उपास्थियों का बना हुआ होता है, जैसे अपना जो स्केलेटन होता है जो शरीर का जो ढांचा होता है अंदर से किसका बना होता है, बोन का भी बना होता है और कार्टिलेज का भी बना हुआ होता है। जैसे कान के अंदर कार्टिलेज पाई जाती है, जो ईयर्स होते हैं इनके अंदर यहाँ कौन क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए बात करें लोकोमोटरी ऑर्गन की, तो इनके अंदर गमनांग के रूप में टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, दो जोड़ी उपांग होते हैं जिसमें दो जोड़ी होते हैं, इसमें एक जोड़ी होता है वो वक्ष के आगे होता है, ये वाले होते हैं, और एक जोड़ी होता है वो वक्ष के पीछे, मतलब ये वाले हैंड हो गई और ये नीचे वाले क्या हो गए, लेग हो गए। तो इसमें क्या होते हैं, दो जोड़ी पेयर अपेंडेजेस होते हैं, उपांग होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, गमन करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की बात करें इनके अंदर, तो ये एनिमल्स होते हैं इनके अंदर कंप्लीट टाइप की एलिमेंट्री केनाल पाई जाती है, मतलब एलिमेंट्री केनाल के सारे पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, माउथ से लेकर एनस तक की कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल पाई जाती है, और साथ साथ में क्या पाई जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती है, पाचन ग्रंथियां जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, तो ये क्या होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इनके अंदर पाई जाती है, पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। बात करें रेस्पायरेशन की, तो इनके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा भी होता है, लंग्स के द्वारा भी होता है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी होता है, कि मतलब किसी किसी एनिमल में क्या होता है स्किन के द्वारा भी
रेस्पायरेशन होता है। गिल्स की बात करें तो पाइसीज होती है, जो मछली होती है सुपर क्लास पाइसीज होता है, उसके मेंबर्स क्या करते हैं, गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। इसके अलावा बात करें एम्फीबिया का, जो एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग रखे गए, फ्रॉग का जो लार्वा टैडपोल होता है वो भी गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करता है। इसके अलावा एक्रिनेटा जो मेंबर्स, एक्रिनेटा जो एनिमल्स होते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, गिल्स के द्वारा ही रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं प्रोटोकोरेटा की। बात करें लंग्स की, ठीक है ना, तो जब बात करें एम्फीबियन होते हैं जो जल से निकलकर जब स्थल के ऊपर आते हैं तो इनके अंदर लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, और मतलब एम्फीबियन है, जब स्थल के ऊपर आते हैं तो लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं वो स्किन के द्वारा भी रेस्पायरेशन करते हैं, जैसे फ्रॉग होता है वो क्या करता है, स्किन के द्वारा भी रेस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है। बात करें सर्कुलेशन सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, डेवलप टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप का होता है, क्लोज टाइप का मीन्स होता है कि रक्त होता है वो खुला न बहकर रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, बहता है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वसन वर्णक के रूप में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में न घुलकर आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। बात करें इनके अंदर जो हेड प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल साइड में और क्या होता है, बिलो इन एलिमेंट्री कैनाल के नीचे ये होता है। इनके जो कोडेड एनिमल का जो हेड होता है वो वेंट्रल, ये वाली वेंट्रल साइड होती है और पीछे वाली डोर्सल साइड होती है। तो हेड कहाँ होता है, वेंट्रल साइड के अंदर होता है और क्या होता है भी एलिमेंट्री कैनाल के नीचे पाया जाता है, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, इनमें यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। बात करें इनके नर्वस सिस्टम की तो इनके अंदर कोडेट्स के अंदर वेल डेवलप टाइप का सुविकसित प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, डेवलप ब्रेन होता है। मैंने बताया था कल कि इनके अंदर मतलब ब्रेन होता है, डेवलप टाइप का क्या होता है, ब्रेन होता है। बात करें नॉन कोडेट्स के कंपेरिजन के अंदर क्या होता है, इनके अंदर डेवलप टाइप का क्या होता है, ब्रेन होता है। और डेवलप टाइप का ब्रेन किन में होता है, सबसे डेवलप टाइप का जो ब्रेन होता है वो होता है होमोसेपियंस के अंदर होता है, सेपियंस, होमोसेपियंस, सेपियंस, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है वो डेवलप टाइप का होता है, मानव के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होता है। ये जो होते हैं वेल डेवलप टाइप का होता है, और डोर्सल सिंगल होलो नर्वा कोड होती है। भाई ये तो ब्रेन हो गया, ठीक है, मतलब स्कल होता है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर क्या पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है। तो ब्रेन से क्या निकलती है, एक नर्वा कोड निकलती है, न्यूरॉन्स की बनी हुई कोड निकलती है जो अपनी वर्टिबल कॉलम के मध्य से या मध्य से होकर निकलती है। वर्टिबल कॉलम होता है उसके मध्य से होकर क्या निकलती है, नर्वा कोड निकलती है। ये नर्वा कोड क्या होती है, सिंगल होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में अपन ने पढ़ा था कि कभी कभी ये डबल भी होती है, लेकिन कोडेट्स में क्या होती है, ये सिंगल होती है और क्या होती है, होलो होती है, खोखली होती है, और क्या होती है, डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, डोर्सल सरफेस पे के ऊपर। ये जो ये कोडेट का फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी है, ठीक है ना, डोर्सल सरफेस या सेकंड फंडामेंटल कैरेक्टर है ना। बात करें एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बॉडी के विभिन्न ऑर्गन होते हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करता है, ठीक है ना, विभिन्न ऑर्गन से मध्य क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है और विकास और वृद्धि को भी क्या करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये जो एनिमल्स होते हैं, कोल्ड एनिमल्स होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, और मोर पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन होता है, मोर पावर ऑफ रीजनरेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। ये तो हुआ कोल्टा का जनरल क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको स्टडी करवाऊंगी पाइसीज जो सुपर क्लास है उसका कंप्लीटली क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।